नोएडा के सेक्टर 12 के शिमला पार्क में युवक ने दोस्तों संग मिलकर गर्लफ्रेंड से किया गैंगरेप। युवक के संग घूमने आई थी पीड़िता। नोएडा के सेक्टर 12 स्थित शिमला पार्क में तीन युवकों ने एक युवती से कथित रूप से गैंगरेप किया। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर 24 थाने में FIR दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती की दोस्ती जलमार्ग सेक्टर 1 निवासी रणजीत से थी। बताया गया है कि रणजीत युवती को घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वह 2.5 घंटे तक शहर में अलग अलग जगहों पर युवती के साथ घूमता रहा। इसके बाद रात में लगभग 12:45 बजे वह युवती को लेकर सेक्टर 12 स्थित शिमला पार्क पहुंचा। बताया गया है कि इस दौरान आरोपी रणजीत के दो दोस्त हरोला निवासी पंकज जलमार्ग सेक्टर 1 निवासी अमित भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। शिकायत पर पुलिस टीम ने आरोपी रणजीत और पंकज को गिरफ्तार कर लिया। अमित फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सेक्टर 24 के थाना प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।